नमस्कार, आप देख रहे हैं इसके साथ मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। 2 अप्रैल संयुक्त मोर्चे के लिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया अधिवक्ताओं द्वारा। आपको बता रहे ये वो अधिवक्ता है जो 2 अप्रैल में एस्टर सिटी एक्ट जो खत्म हुआ था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे और कई सारे लोगों को मुकदमे करा दिए गए थे। 3.5 साल होने वाले हैं इस केस को लेके, वो आज भी जेलों में बंद है। 2 अप्रैल संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसमें और जो भी माइनॉरिटी के लोग थे उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया गया था, उन लोगों को आज तक नहीं छुड़ाया गया। अधिवक्ता लोगों ने बताया है कि इन लोगों के लिए वकील जो अपनी फीस पहले लेते हैं, वो वकील फीस भरिए उन लोगों के केस लड़ रहे हैं और उनको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक नया संगठन बनाया है, इस संगठन में रहकर ये लोग अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो लोग बंद हैं उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। यहाँ पे हमारी बात हुई अधिवक्ताओं से, आप सुनिए पूरे तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं। 3.5 साल हो गए, इसके बाद ही आपको याद क्यों आया कि एस्टर सिटी एक्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इतने दिन बाद क्यों? नहीं, ऐसा कहना पूर्ण सत्य के करीब नहीं है कि प्रयास जारी है। यही है कि इस जगह पे हम लोग दिल्ली के धरती पे हाट पे हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि साथ आइए और फिर इकट्ठे लड़ाई लड़ी जाए। क्या आपको लगता नहीं है कि जो एडवोकेट है, जो अधिवक्ता लोग ही है, ये आपस में ही खुद की लड़ाई रहती है कि मेरा नाम ज्यादा आए, कि मैंने इतने केस लड़े, मैंने इतने लोगों को बाहर निकाला? जब भी मैंने बुलाया हूँ, चाहे 50-60 लोग, सब लोग, अभी जो रिजर्वेशन इन हायर जुडिशियरी का इशू, चाहे वो हम साइकिल भी ये तो सब लोग आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट में जो बंद हुए, कितने केस आपके पास आए अभी तक? अभी तक एक रेफरेंस आया था, अभी ग्वालियर से फोन आया था, मगर उन्होंने जब मैं फाइल मंगवाया, यूपी से फोन आया, वो फाइल लेकर नहीं आए, लेकिन संपर्क में है, उनको गाइड करते रहते हैं। लेकिन अभी इसी के लिए तो प्रयास जारी है कि जो सही एडवोकेट है, जो इसको पैरवी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनको उनके सामने ही फाइल लाया जाए। जब आंदोलन होता है तो अधिकतर गरीब तबके के बच्चे ज्यादातर आगे आ जाते हैं, फंसते भी वही है क्योंकि वो निकल नहीं पाते, उनके पास मनी पावर नहीं होती, अधिकतर मनी पावर की जरूरत होती है। ऐसे बच्चे आगे बचे हैं तो उनके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए यही तो प्रयास है कि ये जो संगठन बनेगा हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, उन लोगों का चिन्हट करेंगे, केसेस किस स्टेज पे है, उनका आर्थिक स्थिति क्या है, तो ऐसे प्रयास जारी है, इसी के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इस आंदोलन को कहां तक आगे ले जाएंगे? जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वकील साहब, जब छोटे स्तर पे केस लड़के बड़े स्तर पे चला जाएगा तब आप उस केस को लड़ पाएंगे, तो छोटे स्तर के जो एडवोकेट है आपने, वो कैसे टीम गठित करेंगे और कहां कहां के एडवोकेट शामिल होंगे? मुझे तो आप छोटे स्तर के एडवोकेट मानते हैं, जो हमारे गौतम जी हैं और हमारे आरोप दाग साहब हैं, ये हमारे सीनियर स्तर के सुप्रीम कोर्ट के। अगर मान लें कोई भी हमारे खिलाफ कोई आदेश जाता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे आरोप दाग साहब गौतम जी तैयार है, सब लोग निश्चिंत हैं। आगे जो केस लड़े जाएंगे, आपकी कमेटी क्या केवल हापुड़, उत्तर प्रदेश या दिल्ली में कार्य करेगी या पूरे भारत में ही? हम लोग एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं एडवोकेट्स का, पहले भी 2-4 यूनियन हो चुकी है और आगे भी ये प्रयास चल रहा है। किसी भी मुद्दे पर जिसका सीधा सीधा संबंध समाज से है, हमारे समाज से है, उसके प्रत्येक मुकदमे को लड़ने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे और नो कॉस्ट नो फीस, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। आपके दिमाग में ये क्यों आया कि एक कमेटी गठित की जाए, सारे पत्रकारों को इकट्ठा किया जाए? ललित जी मेरा सवाल है, जितने भी एडवोकेट बने हैं अभी तक, संविधान आने के बाद ही बन पाए, तो तकरीबन सबने संविधान पढ़ा है, लेकिन बहुत वो वकील बनके केवल अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, कुछ एक ही वकील निकल पाते हैं जो अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं,
तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ जितने भी वकीलों को मैं जानता हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जिला जो, वो सभी समर्थन दे रहे हैं और सभी पूरे भारत से हमें समर्थन है। चाहे बिहार की मैं बात करूँ, चाहे पंजाब है, उत्तर प्रदेश तो है। जब से आप ये संगठन बना रहे हैं, कितने एडवोकेट आपके संपर्क में आए हैं अभी? सैकड़ों एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे सब काम कर रहे हैं। और इसमें हमें सब, आपको मैं बताऊँ, इसमें हमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें इसके लिए हमें समर्थन मिल रहा है। और हमारे जो सैनेट है, चाहे मैं साउथ अफ्रीका से बात करूँ, चाहे इंग्लैंड से बात करूँ, चाहे मैं अमेरिका से बात करूँ, जो पूर्व सैनेट रहे हैं, एसुएत रहे हैं, मतलब उनका भारत की दलित कम्युनिटीज के लिए, डिप्रेस कम्युनिटी के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने का आह्वान रहा है। मेरी बातचीत, मतलब हमारी सबकी बातचीत, मैं समझता हूँ इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा भविष्य में। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।